दुनिया को जीतने वाले सिकंदर के सामने आते ही दुश्मन धराशाही हो जाते थे, वहीं देश की सियासत के सिकंदर पीएम मोदी के सामने आते ही उनके दुश्मन पनाह मांगने लगते हैं। इतिहास गवाह है कि जिस जिसने नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने की कोशिश की, वो आज के वक्त में उनके सामने पानी भरते हुए नजर आते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन जिन ने मोदी से बैर लिया, वो आज सियासत के अखाड़े में पस्त पड़े हैं। फिर वो राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी या फिर बुआ और बबुआ की जोड़ी ही क्यों ना हो, सभी की सियासत खत्म हो चुकी है। इतना ही नहीं, नॉर्थ इंडिया के नेता कहे जाने वाले मोदी का जादू इस कदर चला कि साउथ भी इससे अछूता नहीं रहा। फिर वो चंदू बाबू नायडू हो या फिर देवी गौड़ा, सभी मोदी सुनामी में आज पार लग चुके हैं। इसे विधि का विधान कहें या फिर मोदी की मेहनत का नतीजा कि मोदी आज तक कोई भी चुनाव हारे नहीं है, यानी कि करीब 20 साल से मोदी का अश्वमेघ रथ लगातार दौड़ रहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मोदी से पंगा लेना यानी कि अपनी सियासत खत्म करना